हेलो गाइस, राम राम। वेलकम टू माय ब्लॉग रिंकी गुणावत। और अब वो सुबह का टाइम है और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। और मेरे नाश्ते में हर रोज़ होता है पोहा, चाय, दूध, बच्चों के लिए बस यही। मैं तो चाय पीती हूँ, मैं पोहे नहीं खाती सुबह सुबह। और क्योंकि आज हम जा रहे हैं बहुत दूर घास लेने, माड़ में। माड़ हमारे बहुत दूर है, मतलब 5-7 किलोमीटर दूर है, ट्रैक्टर से जाएंगे। तो फिलहाल तो मैं बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर देती हूँ, बना देती हूँ, तो खा के चले जाएंगे ये। और हम तो इनसे भी पहले निकल जाएंगे क्योंकि 6-6:30 बजे ही निकलेंगे हम, 6:30 बजे तक चले जाएंगे। और फिर वहाँ आने में बहुत टाइम भी हो जाता है, दूर है तो 12 बज जाते हैं एक भी, क्यों बहुत सारी जाती है ट्रॉली में। तो फिर सबका घास होता है तभी आते हैं वहाँ से। तो ये मेरे पोहे भी बन गए हैं। और छोटू टिफिन में पोहे लेके जाता है, या तो दूध पी जाता है या फिर चाय पी जाता है। दूध तो कम ही पीता है, रुस जाता है। चाय ज़्यादा अच्छी लगती है उसको, चाय पीता है। तो दूध है नहीं है घर में अभी फ़िलहाल, तो जो चाय दूध कुछ पी ली वो ठीक है, ये तो मुँह लगा रखा है अभी तो। तो गाइस ये हमारे खेत है पीछे वाला, इसमें देखो चरी कितनी अच्छी हो रही है। मतलब इन दिनों में तो हरियाली है हरियाली चारों तरफ, इतना अच्छा लगता है। तो अभी तो मैं इधर ही आ गई घूमने। और बात बता दूँ, हम घास ले आए और मैं नहा ली हूँ। मैं वहाँ फ़ोन नहीं लेके गई थी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पानी है तो फ़ोन गिर भी जाता है वहाँ पर। और अब तो ओस नहीं है इस खेत में, तो मैं छोटे इधर घूमने के लिए आ गए। और आज इतना पानी में से घास काटा था, मैं बता फ़ोन ले जाती ना तो बताती आपको, अब बता नहीं सकती। तो गाइस फिलहाल तो वीडियो में मतलब ये देखो अभी बदल भी हो रहे हैं, कभी भी बारिश भी आ सकती है। और ये छोटू कुछ नहीं, ढांचा पेड़ के चाड़े लग रहा है और नहीं तो। अरे पत्ता तोड़ो ढांचा का में, है ढांचा ही तो और का ही है, है? आज अच्छा लग घर को नहीं रहे हो। चप्पल कौन फेर रहा है छम्मो, क्यों ऐसे क्यों आई हो गाणी, वो गाणी क्यों आई है तू, काय होगा है? देख गंदा हो रहा है नीचे, ओ गाणी आ गई। ओ कितने घास हो रहे थे, तो मैं आज ही आई हूँ। या फोन में जागते जागते डंडा पर मत कूद जाए तो आओ लग जाएगी नहीं आओ। तो गाइस मैं छम्मो दोनों आ गए अब। और इधर हमारी भैंस चल रही है, ये चल रही है इस खेत में। और इस खेत में हमने चरी बो रखी है, तो हम डंडे पे बैठे हैं यहीं। और भैंस भी चल रही है आराम से इधर। वही छम्मो आ गए मेरे साथ साथ, मैं भी चलूँगी चाची में भी चलूँ। तो ये घर रहा है हमारे बगल में, यहीं हमने भैंस छोड़ रखी है चलने के लिए। तो गाइस अब बैठ गए हम कांटा निकालने, क्योंकि वो जो पानी इतना सारा पानी भरा था वहाँ में और बहुत सारे कांटे चुप गए पैर में। रैया निकाल रही है, निकाल के दे दे तो ये मतलब कुछ काम कर नहीं सकती। ये कांटा निकाल दे वो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है अगर मेरे कांटा निकाल दे वो ही। कैसे निकाल रही थी मैं निकालू, नहीं निकाल पाई। और बहुत दर्द हो रहा है, मतलब एक पाँव में 5-5-6-6 जगह कांटा चुभ गया। ये बरसात के दिन चौमासा में तो बहुत कड़े निकलते हैं गांव में, ऐसे समझ लो बस।
अब घास के बगैर भी नहीं रह सकते, भैंसों को तो घास चाहिए। तो ये देखो खून भी निकल गए, काट निकालते निकालते लेकिन चलो एक निकला, अभी पैर ही नहीं टेका जा रहा, इतना सारे कांटे टूट गए पैर में जो दोनों में, क्योंकि चप्पल पहन के जा नहीं सकते, फिसल फिसल के गिरते हैं, काली मिट्टी है जो, तो हम उघाड़े ही चलते हैं पानी में होके चप्पल खोल के, और तब उघाड़े घास लेके आते हैं। इधर में जिठानी देखो सफाई में लग रही है, घास को खोद रही है। इधर मेरी भैंस है जो चर के बैठी है। तो गाइस अब मैं बता देती हूँ, मतलब घर बैठ के तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया है, 5:30 बज गए हैं, बहुत सारा अंधेरा सो रहा है। तो हम खेत में आ गए इस पीछे के में, क्योंकि मैंने 3-4 दिन हो गए वीडियो डाले, तो क्यों नहीं डाली मैंने वीडियो ये बताऊँगी मैं आपको। मतलब जो हमारे कांवड़िया गए थे कांवड़ लेके, तो मतलब उनका मतलब एक्सीडेंट हो गया था सबका ही, मतलब 60 जने गए थे हमारे यहाँ से, तो मतलब पूरा गांव में ऐसे समझो मतलब बहुत ही बुरा माहौल हो गया। तो वीडियो बनाने को किसकी पड़ती है, अब थोड़ा सबके आराम है, लगी तो सबके बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है वैसे अब सब, तो उसकी वजह से हम ब्लॉग बना ही नहीं पाए क्योंकि बहुत टेंशन में थे सब। हमारे से भी 3 गए थे, 2 जेठ गए थे मेरे बड़े वाले, और मतलब दूसरा बड़ा वाला जेठ है उसका लड़का भी गया था, सब गए थे। तो मतलब रात के 12 बजे फ़ोन आया था, चाची हमारा ऐसे एक्सीडेंट हो गया, तो समझो कैसे जान ही निकली होती शरीर में से। तो मैं वीडियो डालने को किसको पड़ती है, आज 3-4 दिन हो गए इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई, लेकिन अब सबके आराम है, तो आज मैंने व्लॉग बनाई, आज डाल रही हूँ व्लॉग कितने दिन में इसलिए। और हर रोज़ मिलने वाले लग आते जाते रहते हैं, मतलब लगी है उनके खूब ज़्यादा लगी है सबके, तो मिलने वालों की भी लाइन नहीं लगी रहती है घर, मतलब एक आ रहा है एक जा रहा है, मिलने वाले तो वैसे कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला है, मैंने सोचा चलो इतने दिन हो गए तो आज तो व्लॉग बना के डाल देती हूँ, इसलिए मैं आज बना रही हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो मेरे चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, राम राम, बाय बाय।